फ्यू थिंग्स जिसमें से होता है पहला हमारा लो मेटाबॉलिक रेट देन इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी uh, टू तो रिटेन वॉटर एंड टिश्यूज सो so, हमें चार डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं सो so, अब अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं तो हमारा की कॉन्सेप्ट सो थायरोक्सिन या फिर टी फोर जिससे हम रिजेंबल करते हैं क्या होता है सो so, थायरोक्सिन जो होता है ये हमारा हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस uh, होता है बाय थाइरोड ग्लैंड सो थायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये इसको प्रोड्यूस करता है एंड अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिक uh, रेगुलेशन में हेल्प करता है सो एंड अपार्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक रेगुलेशन ये हमारा जो होता है बॉडीली फंक्शन में भी हेल्प करता है सो so, अब क्या होता है अगर हाँ यहाँ पर हमारी डेफिशिएंसी होती है थायरोक्सिन की सो so, इसके वजह से uh, हमारी ये कंडीशन होती है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म सो इसके वजह से हमारा हाइपोथरॉयडिज्म होता है एंड इन सीवियर केसेस इट लीड्स टू मिग्ज एंड अगर इसमें देखा जाता है दैट एक्सेस था जब जिन केसेस में देखा जाता है सो एक्सेस थाड्स टू हाइपर था सो अगर डेफिशियंसी होगी तो वो हाइपोथर करेगा एंड अगर उसका एक्सेस में होगा प्रेजेंट तो वो हमारा हाइपर थारज करेगा ना अब अगर हम लोग गिवेन ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज सिंपल ग्विटर सो सिंपल गोइटर क्या होता है अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड सो इसमें देखा जाता है दैट जो हमारा थाइरॉयड ग्लैंड होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है एंड uh, ये जो होता है इट इज ऑफन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी नॉट थायरोक्सिन डेफिशिएंसी सो ये हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है व्हेन देयर इज लैक ऑफ आयोडीन इन आर बॉडी सो देयर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड ये जो होता है नेसेसरीली uh, इसके कोई वाटर रिटेंशन या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तो ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला गया है मिक्सड एमा सो मिक्सड एमा जो होता है ये हमारा एक सीवियर uh, केस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का सो दिस इज सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म सो वॉट हैपन्स इज के हाइपोथाइ uh, हाइपोथायरॉयडिज्म hypothy, uh, सो so, ये जो होता है ये हमारा सीवियर केस होता है एंड इसमें देखा जाता है दैट थीन uh, की डेफिशिएंसी होती है सो so, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देयर इज थायरोक्सिन डेफिशिएंसी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हाइपो कंट्रोल में नहीं रहता है तो इट लीड्स टू मिक्सा एंड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो लो मेटाबॉलिक रेट जो होता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड अपार्ट फ्रॉम इट वेट गेन एंड वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज देखा जाता है सो वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज जो होता है ये बिल्कुल सीवियर केस होता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का एंड uh, इससे हम लोग मिक्सडेमा को कैरेक्टराइज करने में इजिली हेल्प कर सकता है ये सो so, uh, ये जनरली वाटर रिटेंशन जो होता है इसको हम लोग स्वेलिंग भी बोलते हैं और अडेमा भी बोलते हैं सो so, ये हमारा कॉज करता है टिश्यूज में नेक्स्ट uh, अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की सो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म सो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सी सो यहाँ पर हमारी जो थाइरॉक्सीन uh, है उसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है एंड ये हमारा इतना सीवियर केस नहीं होता है सो so वॉट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर वेट गेन देखा जाता है या फिर मेटाबोलि देखे जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हाँ लो मेटाबोलिज्म देखा जाता है एंड uh, ये जब सीवियरिटी फॉर्म ले लेता है ये काफी सीवियर हो जाता है तब ये हमारा मिक्सडेमा बना लेता है ऑप्शन नंबर डी हमारा है विच इज क्रेटनिज्म सो क्रेटेनिज्म क्या होता है क्रेटेनिज्म हमारा क्रेटेनिज्म में देखा जाता है ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है विच इज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट सो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये हमारी ये कंडीशन होती है क्रेटेनिज्म सो इसमें क्या होता है ये हमारा अर्ली इन्फेंसी uh, में भी देखा जाता है एंड दिस लीड्स टू स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड ये जो होता है ये फीटर्स में देखा जाता है नॉट एप्लीकेबल ऑन एडल्ट सो देअो दिस इज दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एडल्ट सो देअो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दट इज मिग्ज डेमा होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक